दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो विंटर शुरू हो चुका है और अब आप लोग अगर प्लान बना रहे हो कि उत्तराखंड में बर्फबारी हुई या नहीं हुई तो आपको बता दूं उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हो चुकी है। अगर आप जाना चाहते हो औली, जोगता, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, नीतिमाड़ा घाटी या फिर हरसिल, कहीं भी अगर आपको जाना है तो इस समय ज़बरदस्त बर्फबारी हो चुकी है। और मैं आपको आज दिखा रहा हूं औली की वादियां, जहां पे कल ज़बरदस्त बर्फबारी हुई और आज मौसम पूरी तरह सुहाना हो गया है। औली की खूबसूरती इन तस्वीरों में ही दिखाई दे रही है। इतनी खूबसूरत तस्वीर इस समय औली की बनी हुई है। यहाँ पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है और हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। होटल, रिजॉर्ट, सब कुछ यहाँ पर इस समय सज चुके हैं, क्योंकि आने वाला समय क्रिसमस और न्यू ईयर के वीकेंड का है। ऐसे में हर कोई हर बार यहाँ पे ज़बरदस्त बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं। हर कोई पहुँचता है, कोई बर्फबारी देखने पहुँचता है तो कोई बर्फ़ देखने पहुँचता है। लेकिन इस बार समय पर बर्फबारी होने का फ़ायदा जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाले टूरिस्ट हैं, उनके लिए होगा। अगर आप औली आना चाहते हैं तो औली में अच्छी खासी बर्फबारी हो चुकी है। चोपता आप जाना चाहते हो, चोपता में भी बर्फबारी हो चुकी है। तुंगनाथ में भी बर्फबारी हो चुकी है। रुद्रनाथ में तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है। अगर आप औली से ऊपर गोरसों जाते हो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी। फिर क्वारी पास ट्रेल जो है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी इस समय हुई है। औली के चप्पे चप्पे में इस समय ज़बरदस्त बर्फ़ की सफ़ेद मखमली चादर बिछ चुकी है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं या फिर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे कि आपको क्या जानकारी इसके बारे में चाहिए, क्योंकि इस समय औली अब धीरे धीरे पैक होने लगा है। यहाँ पे जो क्रिसमस और न्यू ईयर का वीकेंड आता है 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक लगभग पूरी तरह से पैक रहता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसे में अगर आप लोग आना चाहते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष जोशीमठ में जो आपदा आई थी, जो भूतसाव की आपदा आई थी, उसने कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डाला था औली पे, और इस बार अब औली में बर्फबारी हो चुकी है। जोशीमठ में ऐसा कुछ नहीं है जो पिछले वर्ष की तरह इस बार भी हो रहा हो, तो इस बार सब सुरक्षित है, सब चीज़ ठीक है। और अगर आप जोशीमठ नहीं भी रुकना चाहते हो तो सीधा औली जाके आप रुक सकते हो। औली में रिजॉर्ट आपको मिल जाएगा, कैंपिंग आपको मिल जाएगी, होटल आपको मिल जाएंगे और हर समय आपको हीटर और बर्फ़ में खेलने का संसाधन यहाँ पे मिल जाएगा। इस बार एक जो जोशीमठ से औली जाने वाली रोपवे है वो पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है, उसे अभी तक खोला नहीं गया है। ऐसे में आप रोपवे का दीदार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेयरलिफ्ट का, जो चेयरलिफ्ट होती है जो हवा में सैर कराती है 800 मीटर का, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। औली में बर्फ़ अच्छी खासी गिर चुकी है और स्कीइंग भी अब ऊपरी जो जगह है औली के ऊपर 10 नंबर और गोरसों ट्रायल पे, वहाँ पे आपको स्कीइंग करने को भी मिलेगा, बर्फ में खेलने को मिलेगा। बहुत अच्छी इस समय औली की वादियाँ सज चुकी हैं बर्फ़ से। आपको कहीं भी अब मिट्टी नहीं दिखेगी, पेड़ पौधे, घर मकान, सब कुछ यहाँ पे इस समय बर्फ़ में, बर्फ़ के नीचे दिखाई दे रहा है। औली की खूबसूरती बहुत सुंदर इस समय दिखाई दे रही है। हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। अगर आप लोग प्लान बना रहे हैं औली, चोपता, तुंगनाथ, रुद्रनाथ कहीं का भी, तो आप आके यहाँ पे बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। इस समय हर तरफ सिर्फ बर्फबारी और मौसम के करवट बदलते ही यहाँ पे आपको ताज़ा बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। अगर आपने हमारे डिवाइन उत्तराखंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचाइएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।